जवानों, हम राजपूत हैं और हमारी रेजिमेंट राजपूतों की रेजिमेंट है। हमारे होते हुए दुश्मन हमारे देश में कदम नहीं रख सकता। जय मां भवानी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर, और आज का हमारा वीडियो है ये। YouTube पर एक भाई साहब है, नाम उनका कुछ यादव करके है, हरिओम यादव है, पता नहीं क्या है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं टाइटल के अंदर मेंशन कर दूंगा। तो वो भाई साहब है जो बस वीडियो डालो अपने चैनल पे और राजपूतों को गाली देना शुरू करो। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे कुछ व्यूअर थे जिन्होंने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि आप इनको जवाब दो जवाब दो। तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं क्या है, तो मैंने YouTube पर उन्हें देखा। तो हर वीडियो, चाहे टॉपिक कोई भी हो, हर वीडियो के अंदर राजपूतों को गाली देना फिक्स है। कभी उन्हें मुगल पुत्र बोल दो, कभी उन्हें क्या बोल दो, भाई साहब कभी कभी ये बोलते हैं राजपूत क्षत्रिय ही नहीं है, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। मेरा YouTube पर रहने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि मैं चाहता हूं कि हर जाति को अपने इतिहास से अवगत करवाऊं और उन्हें अपनी जाति पर गर्व हो, वो खुद की जाति को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन हमारे ये भाई साहब मेरा उल्टा काम कर रहे हैं, बस राजपूतों को गाली दो, बाकी जातियों को राजपूतों के खिलाफ भड़काओ और बस उनके बीच में आपसी संबंध या एकता ना बनने दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब उनसे रिश्तेदार इनके मिलते होंगे तो वो इनसे कैसे बात करते होंगे। बेटा क्या काम करते हो? जी मैं राजपूतों को गाली देता हूँ। अरे मेरा मतलब है बड़े होकर क्या करोगे? जी मैं बड़ा होकर राजपूतों को गाली देने वाला बनूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, माँ बाप के लिए क्या करोगे बड़े होकर? जी मैं अपने माता पिता के लिए राजपूतों को गाली दूंगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजपूतों को गाली देना फिक्स है। एक होता है कुछ अच्छा करके नाम करना और एक होता है किसी को भला बुरा बोल के बदनाम होना। भाई साहब सेकेंड थ्योरी पर चल रहे हैं। अरे कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है कि अपनी दीवार को सामने वाले की दीवार से बड़ा करना है तो सामने वाले की दीवार को गिरा दो तो अपनी दीवार अपने आप बड़ी हो जाएगी। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता है। इससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी दीवार पर अच्छे से काम करो ताकि वो दीवार सामने वाले से अपने आप बड़ी हो जाएगी। और एक बात बताऊं, आप जिस दीवार को गिराने की सोच रहे हो ना, उस दीवार की नींव के अंदर पानी नहीं है, सूरवीरों का खून है। अरे बड़े बड़े बादशाह और राजा आ गए, इस दीवार को हिला नहीं सके, टस से मस नहीं कर सके, तो आप किस खेत की मूली हो? भाई साहब के कई वीडियोज में वो कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण तो सबके पिता है, परम पिता है, हम सब उनके वंशज है। लेकिन भाई साहब को प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं कि हम तो वंशज है, लेकिन जो राजपूत है जिसमें भाटी है, जादौन है, जडेजा है, ये जो राजपूत है ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। भाई साहब की जानकारी दुरुस्त कराने के लिए ये बता दूं कि भाटी, जादौन, जडेजा, चुड़ासमा, जाधव और तणवी यही भगवान श्री कृष्ण के रियल वंशज है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जैसलमेर के भाटी राज परिवार के संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के छत्र और सिंहासन आज भी रखे हुए हैं। कभी वक्त मिले तो जैसलमेर आकर उन्हें देख लेना। और एक सबसे बड़ी बात, हाल ही में गुजरात न्यायालय ने जडेजा राजपूतों को भगवान श्री कृष्ण का वंशज ऑफिशियली माना है। ऑफिशियली यानी उनके पास सर्टिफिकेट है कि वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। यार ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है क्योंकि सबको पता है कौन क्या है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी होता है। सिर्फ वीडियो उठाया और किसी जाति को गालियां देनी है तो मैं भी दे दूं, मुझे भी 4-5 आ जाएंगे लाइक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे है जिनकी सोच यही है कि दूसरी जाति को गालियां दो तो मुझे नीचे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, मेरे वीडियो वायरल बहुत होंगे। क्योंकि चाहे नाम करना है, चाहे बदनाम होके करो, चाहे अच्छा काम करके करो, सही है ना।
क्यों करते हो ऐसा आप लोग? यही नहीं, भाई साहब ने तो राजपूत रेजिमेंट, जो कि हमारी आर्मी है, हमारे देश की सेवा करती है, उनके ऊपर सवाल उठा दिए। भाई साहब बोलते हैं कि राजपूत रेजिमेंट अंग्रेजों के तलवे चाटने के कारण हुई है। वाह यार, मतलब कुछ भी यार, हद होती है किसी चीज की। अगर ऐसा है तो फिर तो आपको जाट रेजिमेंट के लिए भी यही कहना पड़ेगा, वो भी पुरानी एक रेजिमेंट है अंग्रेजों के समय की। लेकिन वहां आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आपका जो राजपूतों के ऊपर जो टारगेट करने का जो एक आपका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। देश की सीमा पर राजपूत रेजिमेंट का क्या योगदान है, राजपूतों का क्या योगदान है, ये मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप आर्मी ऑफिसर के मुंह से सुन लीजिए। राजपूत का जो सबसे बड़ी जो उसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो ही नोज नो फियर, वो डरता नहीं, वो जान दे सकता है लेकिन वो हार नहीं मान सकता। तो इसलिए जहाँ भी आप वीरता के प्रतीक को अगर आप चुनते हैं तो राजपूत का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर राजपूत रेजिमेंट को अंग्रेजों की चापलूसी करने से बनाया गया है तो फिर राजपूत रेजिमेंट में एक परमवीर चक्र, एक अशोक चक्र, 5 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 7 महावीर चक्र, 12 कीर्ति चक्र, 5 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 58 वीर चक्र, 20 शौर्य चक्र, 4 युद्ध सेवा मेडल, 67 यानी कि 67 सेना मेडल, 19 विशिष्ट सेवा मेडल, 1 द्वितीयक विशिष्ट सेवा मेडल और 1 पद्म श्री। क्या अंग्रेजों ने दहेज में दिए थे? क्या करते हो आप लोग यार, सेना मतलब एक भारतीय सेना को तो छोड़ दो, वहां भी जातियां घुसते जा रहे हो यार। ये जो मैंने अभी बताया है ना, ये अंग्रेजों की दया से नहीं बल्कि वीर राजपूतों ने अपने शौर्य, अपने दमखम, अपनी शहादत के दम पर कमाया है। और उस चीज को समझने के लिए आपके अंदर भी वो समर्पण, वो त्याग देश के प्रति होना जरूरी है। बस जातिवाद करते जाओ, तुम ऐसे हो, हम वैसे है, वो जो राजपूत है वीर योद्धा था वो हमारी जाति का था, तुम जो है तुम राजपूत क्षत्रिय हो ही नहीं, क्या कर रहे हो यार। मेरे चैनल पर 3.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत सारे वीडियोस भी है, आप शुरुआत से लेकर आज तक वीडियो देखने शुरू कीजिए, मुझे एक वीडियो ऐसा बताइए जिसके अंदर मैंने किसी दूसरी जाति को गाली बोली है, किसी व्यक्ति विशेष को गाली दी है। मैं किसी को कभी गलत नहीं बोलता, यही मेरा सबसे बड़ा सबूत है कि मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं एक राजपूत हूं। मेरा राजपूत धर्म मुझे ये कभी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को छोटा या कमजोर समझो। बस ट्विटर पे आ जाओ, किसी वीर के आगे अपनी जाति का लगा के हैशटैग लगा के डालो। पर ऐसे नहीं बनते मतलब प्राचीन समय में जो वीर योद्धा थे हमारे, वो लड़ाई ना करते और अपनी मातृभूमि के लिए नहीं लड़ते और हैशटैग लगा के ट्विटर पे डालते तो मतलब हम इस मातृभूमि को, अपने देश को बचा लेते, अपने धर्म को बचा लेते। यार क्यों तोड़ रहे एक दूसरे को? आप यादव हो, महान हो, आप गुजर हो, श्रेष्ठ हो, आप जाट हो, सुपर हो, आप राजपूत हो, अद्वितीय हो, सब बढ़िया है। क्षत्रिय और राजपूत अलग नहीं है। आप जो उदाहरण देते हो ना वीडियोस में विकिपीडिया के स्क्रीनशॉट लेके, ये देखो इन्होंने ये कहा है वो कहा, अरे मैं बताता हूं, वैसे ही एक विकिपीडिया की तरह वेबसाइट है भारत डिस्कवरी करके कुछ, उसका ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ लोग मानते हैं कि राजपूत और क्षत्रिय अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि राजपूत और क्षत्रिय एक ही है। जब राजा था उसका क्रम यही था कि वो अपने देश की, अपने लोगों की रक्षा करे, और रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं, और राजा, राजा का पुत्र राजपुत्र, और वही राजपूत है। क्या यार, आप लोगों के पास अगर किसी वीर योद्धा, आपके वीर योद्धा की कोई वीर शौर्य गाथा है मुझे उसके बारे में बताइए, मैं वो वीडियो बनाऊंगा। मैं किसी जाति विशेष का वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन जब आप किसी एक जाति के ऊपर कटाक्ष करते हो वो गलत है। किसी जाति को बुरा मत बोलिए, और खास करके राजपूतों को आप बुरा बोल रहे हो, ये कह रहे हो कि राजपूत क्षत्रिय ही नहीं, मतलब इतना सब कुछ नहीं चलेगा। आप वीडियोस बनाइए, अपनी जाति के ऊपर बनाइए, अपनी जाति के अच्छे अच्छे वीर योद्धाओं की जानकारी दीजिए, अच्छा लगेगा। अपने वीर योद्धा की जानकारी कम और वीडियो में आधे से ज्यादा राजपूतों को गालियां, ऐसे थोड़े चलेगा। प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद।